Example number 7, determine the RTH and VTH at the terminal 1, 2 of each of the circuit in figure 7.1. तो ये हमारे 7.1 की जो है फिगर है ए और बी, जिसमें हमें क्या निकालना है, RTH और VTH। तो सबसे पहले हम फिगर ए को लेते हैं सॉल्यूशन। तो ये 10 ओम, 20 ओम और ये 40 ओम है, 1 और 2 और ये 20 वोल्ट। तो सबसे पहले RTH फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम वोल्टेज सोर्स को किससे रिप्लेस कर देंगे, फॉर फाइंडिंग RTH 20 वोल्ट रिप्लेस बाय किससे, शॉर्ट सर्किट। वन टू तो ये RTH, ये 40 और ये 10 ओम। तो RTH बराबर 10 ओम पैरेलल 40, तो 10 इंटू 40 अपॉन 10 प्लस 40 बराबर 400 अपॉन 50, 8 ओम। तो VTH इसके अक्रॉस क्या होगा, स्टेप ये सेकेंड फोर फाइंडिंग VTH एयर बराबर ये किसके होगा, VOC के 1 और 2 के टर्मिनल के क्रॉस, वन टू ये प्लस माइनस ये क्या होगा VOC 40 ओम और ये 10 ओम। तो वोल्टेज डिवाइडर से फाइंड कर लेंगे, तो वी ओ सी बराबर 40 अपॉन 40 प्लस 10 इंटू ये कितना है 20 वोल्ट है इंटू 20 वोल्ट, तो 40 अपॉन 50 इंटू 20 8 बराबर 16 वोल्ट। तो वी ओ सी बराबर कितना आ गया 16 वोल्ट। तो ये किसके बराबर होगा, वी टी एच के बराबर। तो वी टी एच बराबर कितना आ जाएगा 16 वोल्ट और आर टी एच बराबर कितना आ जाएगा, ये 8 ओम आ जाएगा पहली वाली सर्किट के लिए। जो दूसरी वाली सर्किट है तो इस सर्किट में आर टी एच सबसे पहले फाइंड करेंगे। आर टी एच फाइंड करने के लिए जो 2 ओम 2 एम्पियर का जो करंट सोर्स है उसे ओपन सर्किट कर देंगे और वोल्टेज 30 वोल्ट सोर्स को क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट रिप्रेजेंट कर देंगे और इसके 1 और 2 के क्रॉस क्या है, RTH फाइंड कर लेंगे। तो स्टेप जो है फोर फाइंडिंग RTH, तो इसमें जो है 2 एम्पियर रिप्लेस बाई ओपन सर्किट और 30 वोल्ट रिप्लेस बाई शॉर्ट सर्किट। तो देखिए ये 2 एम्पियर क्या कर दिया हमने, ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया और ये 30 ओम है और ये RTH मेजर करेंगे और ये 60 ओम है, ये 1 और 2 और इसको रिप्लेस कर देंगे शॉर्ट सर्किट को 30 वोल्ट। तो देखिए ये हमारी होगी वन और टू, ये RTH, ये 60 और ये 30 ओम। तो देखिए दोनों ही क्या होंगे, वो पैरेलल में होंगे, तो RTH की वैल्यू आ जाएगी RTH बराबर 30 पैरेलल 60, तो 30 इंटू 60 अपॉन 30 प्लस 60 बराबर 30 इंटू 60 अपॉन 90
और ये 20, तो ये जाएगा 20 ओम। अब फाइंड करेंगे VTH, तो VTH के लिए 4 फाइंडिंग BOC बराबर क्या होता है ये VTH टर्मिनल 1 और 2 के अक्रॉस, तो कोई लोड तो है नहीं, तो सिंपली ये ओपन से ये टर्मिनल के हैं ओपन ही है, ये टर्मिनल के हमारे ओपन ही तो है, तो ये 2 एम्पियर। और ये तो सर्किट जो भी थी उसका हम VTH फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 1 और 2 के अक्रॉस जो है BOC मीजर करेंगे, तो इस पर हम नोडल एनालिसिस लगा देंगे टर्मिनल 1 पर, इसे क्या कर लेंगे ग्राउंडेड कर लेंगे। तो KCL एट नोड 1, तो ये VOC अपॉन 30 ओम माइनस का 2 प्लस VOC माइनस का 30 अपॉन 60 बराबर 0। तो VOC अपॉन 30 प्लस VOC अपॉन 60 माइनस का 2 माइनस का 30 अपॉन 60 बराबर 0, तो ये 1 2 हो जाएगा, तो VOC 60 कॉमन आ जाएगा, तो ये 2 प्लस 1 बराबर 2 प्लस 1 बाई 2 बराबर 5 बाई 2, तो VOC तो ये जाएगा 3 बाई 60 बराबर 5 बाई 2, तो ये 1 और ये 2, तो VOC बराबर 5 × 20/2 10, ये कितना हो जाएगा 10 वोल्ट हो जाएगा, तो VOC बराबर 10 वोल्ट, अर्थात तो VOC बराबर क्या होता है VTH बराबर 10 वोल्ट। तो जो हमारी सर्किटरी थी ये वाली, ये 2 एम्पियर और ये 30 ओम टर्मिनल 1 2 प्लस माइनस, और ये 30 वोल्ट, और ये क्या 60 ओम। इसकी जो RTH वैल्यू आई थी वो 20 ओम आई थी, और इसकी जो VTH वैल्यू आ गई वो सॉरी कितनी आएगी 50 ओम आएगी, सॉरी 50 वोल्ट आएगी। तो ये हो गए हमारे आंसर। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।